हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एक्टिव लर्निंग। आज हम देखने वाले ऑपरेशन मैनेजमेंट से फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अभी हम देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। आज हम देखने वाले उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स विद एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग दो सिंपल वर्ड से, एक ही प्रोडक्शन, दूसरा है प्लानिंग। प्रोडक्शन मतलब कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग करना, और प्लानिंग का मतलब है जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमें क्या बनाना है, कैसे बना रहे हैं और कब बनाना है, ठीक है। जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उसके पहले हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो टारगेट होता है वो अच्छी तरह से अचीव हो जाए, ठीक है। हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाए, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हमेशा हमें जो प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग प्रोडक्ट करने के पहले करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके लिए एक 5M बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है 5M, ठीक है। एक कौन कौन से है वो, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और लास्ट है मनी। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मनी, ये 5M से, ठीक है। वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, जो कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं, हमारी जो क्वालिटी होते हैं प्रोडक्ट की, वो अच्छी तरह से अचीव हो जाए, ठीक है। लास्ट है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमारे जो प्रोडक्ट की, हमारे जो रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी होते हैं, उसके हिसाब से हमें एक टारगेट डिफाइन करनी पड़ते हैं, उसके हिसाब से हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके डेफिनेशन। द प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन इन्वॉल्व फोर कंसिडरेशन। क्या है वो, इंडस्ट्रियल एक ऑपरेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ठीक है। नेमली व्हाट वर्क शैल बी डन, हाउ द वर्क शैल बी डन एंड लास्टली व्हेन द वर्क शैल बी डन। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन है उसकी। अब हम देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि जो हमारे, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, उसके टाइम रिसोर्सेस लगते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, जो भी रिसोर्सेस है वो पहले हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें डिटरमाइन करती है, उसको कहते हैं टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड है टू अरेंज द प्रोडक्शन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स। क्या होता है ना, डे बाय डे मार्केट कंडीशन, मार्केट नीड्स जो होते हैं, कस्टमर नीड्स जो होते हैं ना, चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारे जो मार्केट क्लाइमेट है हमेशा चेंजेस आती है उसमें, उसके हिसाब से हमें एक प्रोडक्शन शेड्यूल रखना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है टू अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अदर डिपार्टमेंट से भी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ती है। एग्जाम्पल है कि प्रोडक्शन स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिस्पैच डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन टू HR डिपार्टमेंट, ठीक है। वो जो बाकी के जो डिपार्टमेंट है उससे हमें एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ है टू अरेंज वेरियस इनपुट एट राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। जो हमारे जो इनपुट होते हैं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, मशीन, मैन पावर, हमें एक राइट टाइम पे मिलनी चाहिए और राइट क्वांटिटी भी मिलनी चाहिए, जो कि हमारे टारगेट अच्छी तरह से अचीव हो जाए, ठीक है। लास्ट वन है, लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेक एफर्ट टू अचीव प्रोडक्शन टारगेट इन टाइम। हमारा जो फाइनल आउटपुट होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, इस पर डिपेंड होता है, ठीक है। विदाउट टारगेट हम कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए प्रोडक्शन टारगेट हमारा जो इन टाइम में अचीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। कंट्रोल का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि नियंत्रित करना, ठीक है। किसी सिस्टम को, किसी प्रोडक्शन लाइन को, किसी प्रोडक्शन को नियंत्रित करने के लिए हम प्रोडक्शन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जो हमारे सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम होता है, एज पर प्लान हो रही है क्या, वो देखने के लिए उसकी यूज़ कर सकते हैं। उसके डिफरेंट बेनिफिट्स क्या है कि जो हमारे डिफरेंट वेस्टेज होते हैं, जस्ट लाइक मैन पावर वेस्टेज, प्रोडक्ट वेस्टेज, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी मेंटेन रखने के लिए भी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो स्मूथली रन होने के लिए उसकी मदद मिलती है, ठीक है। और प्रोडक्शन
प्लानिंग एंड कंट्रोल से क्या होता है कि जो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए भी हम हमारी उसकी हमें मदद मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी शॉर्ट डेफिनेशन है, प्रोडक्शन कंट्रोल रेफर टू इंश्योर दैट ऑल विच अकर इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स इस्टेब्लिश एंड इंस्ट्रक्शन इशू। बहुत सिंपल है, शॉर्ट है, हेनरी फॉयल ने दी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू रेगुलेट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मींस इन्वेंटरी मतलब क्या है कि स्टॉक, मींस हमारे जो स्टॉक है, जो स्टॉक लगता है प्रोडक्शन, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो इन्वेंटरी लगती है वो रेगुलेट करने के लिए हम उसकी मदद मिलती है। सेकंड है टू मिनिमाइज द वेस्टेज, डिफरेंट वेस्टेज होते हैं जस्ट लाइक मैन पावर वेस्टेज, देन टाइम वेस्ट, प्रोडक्ट वेस्टेज, वो वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए यूज होती है। टू रिड्यूस वेटिंग टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम मीन्स एक लाइन से दूसरे लाइन तक जब हम प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तब एक लाइन से दूसरे लाइन तक जो भी हमें वेटिंग टाइम होता है, ठीक है, दूसरे लाइन स्टेज को जो वेटिंग टाइम करना पड़ता है, वो वेटिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए भी उसको हम मदद ले सकते हैं। फोर्थ है टू रिड्यूस इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारी जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसका मदद ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। एग्जाम में हमें 10 मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चन, और केस स्टडी पे हम केस स्टडी हमेशा आती है 20 मार्क्स के लिए। बहुत सिंपल है, ठीक है, आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको कौन सी भी चीज़ को कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।